हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू विल बी ऑल राइट इन योर होम. अब आज हम लोगों ने सेनापति पाठ पढ़ा था, उसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे. व्याख्या मैंने करवा दी थी, शब्दार्थ भी हो गए थे. अब हम उसके प्रश्नोत्तर करते हैं. कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? ऑब्जेक्टिव देखिए आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न. कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? तो इसका जवाब आएगा बसंत ऋतु को. सुरचाप का अर्थ है, सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष. सुरचाप का अर्थ क्या होता है? इंद्रधनुष. अति लघु उत्तरात्मक में देखिए आप, कविता में बंदी जन किसे कहा गया है? तो कोयल एवं भ्रमर को बंदी जन कहा गया है कविता में. प्रश्न नंबर 3, बंदी जन किसे कहा गया है? तो कोयल और भ्रमर को बंदी जन कहा गया है. प्रिय के किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? तो प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? तो वर्षा ऋतु में कहा था उन्होंने. तो वर्षा ऋतु में वापस आने के लिए प्रियतम ने कहा था. ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? बसंत को कहा गया है. ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसको कहा गया है? बसंत ऋतु को कहा गया है. निबल अनल से क्या तात्पर्य है? निबल अनल से तात्पर्य है शीत ऋतु में सर्दी की ठिठुरन बढ़ने से आग का ताप भी एकदम कम लगता है. आग भी निर्बल या कम ताप वाली लगती है. इसका अर्थ होता है निबल अनल, अर्थात अनल यानी अग्नि जो है वो भी निर्बल हो गई है ऐसा लगता है. प्रश्न नंबर जो 7 है, चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? तो चतुरंग दल से सेनापति का तात्पर्य है सेना के 4 अंग माने जाते हैं, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथियों की और रथ सवार सेना. इन्हीं चतुरंगिणी सेना कहा जाता है. बसंत ऋतु के प्रसंग में चतुर रंग दल से कवि सेनापति का आशय अनेक रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित छोटे बड़े लता पादपों से है. ये सभी मानो बसंत रूपी राजा की चतुरंगिणी सेना के रूप में प्रसिद्ध हैं. ये है चतुरंग दल से सेनापति का तात्पर्य. प्रश्न नंबर 8, सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? तो प्रश्न नंबर 8 का जवाब है सावन के माह में कामदेव नायिका को कैसे परेशान कर रहा है. उसके जवाब के लिए नायिका के प्रियतम ने सावन से पूर्व प्रवास से लौट आए. नायिका के प्रियतम सावन से पूर्व प्रवास से लौट आने के लिए कहा था उन्होंने, परंतु वह नहीं आया. वर्षा ऋतु में बिजली के चमकने तथा बादलों के गर्जन वर्षण से नायिका का मन उल्लास से भर गया, परंतु प्रियतम के न आने से उसे विरह ज्वर तपाने लगा. इस तरह विरह वेदना से कामदेव नायिका को परेशान करने लगा तथा उसके मन में काम भावना उद्दीप्त करने लगा. ये है प्रश्न नंबर 8 का जवाब. प्रश्न नंबर 9, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? तो ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की स्थिति के बारे में बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में बादल प्रचंड गर्मी से एकदम सूख कर विलीन हो जाते हैं. वे गर्म हवा या लू के झोंकों से कहीं गायब हो जाते हैं. ग्रीष्म में हवा एकदम गर्म होकर लू का रूप धारण कर लेते हैं. हवा भी मानो गर्मी से बचने के लिए शीतल छायादार स्थानों पर विश्राम करने लगती है. इस प्रकार ग्रीष्म में बादलों और हवा की स्थिति बदली हुई रहती है. ये ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की स्थिति के बारे में बताया. प्रश्न 10, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? वो इसलिए है बच्चों क्योंकि सेनापति रीतिकालीन कवि हैं. रीतिकाल में सिर्फ श्रृंगार रस का ही ज़्यादा वर्णन किया गया है, नायिका के नक्षिक वर्णन किया गया है. इसीलिए उस समय में अगर कोई
परिपाटी से अलग हटकर कोई काव्य रचना करता है तो वो इसलिए ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए मैं इसका जवाब लिखिए आप लोग, ये बड़ा प्रश्न है, निबंधात्मक है, इसीलिए इसका जवाब भी निबंधात्मक है। रीतिकालीन कवियों में ऋतु वर्णन करने में सेनापति अग्रणी माने जाते हैं। इन्होंने सभी ऋतुओं का वर्णन तल्लीनता से या तल्लीन होकर किया है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों के वर्णन में अपनी सुरम्य बुद्धि का परिचय दिया है। इन्होंने प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन किया है। इनके ऋतु वर्णन में श्रृंगार रस का सौंदर्य समाया है। इस कारण इन्होंने कहीं पर संयोग सुख का और कहीं पर विरह वेदना का निरूपण किया है। कवि सेनापति ने ऋतु परिवर्तन के साथ साथ विलास के साधनों का भी वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में शीतल छायादार स्थानों आदि को लेकर अनेक दृश्य उपस्थित हैं। वर्षा ऋतु में बादलों की घटाओं एवं जल वर्षण आदि का मनोरम वर्णन किया है। कवि सेनापति ने वसंत, वर्षा और शिशिर ऋतु को नायिकाओं के लिए काम वेदना बढ़ाने वाली बताया है। ऋतु वर्णन प्रसंग में सेनापति ने श्लेष अलंकार का चमत्कारी प्रयोग किया है। तो ये इनका ऋतिकाल जो कवि हैं सेनापति, इनका ऋतु वर्णन बताया गया है, इसलिए साहित्य में ये अनूठा है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 जो है बच्चों, पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। तो शीत ऋतु का वर्णन आपको स्वयं करना है। जो आपने पठित काव्यांश पढ़ा है उस आधार पर आपको शीत ऋतु का वर्णन करना है। जो आपके काव्यांश में क्या क्या शीत ऋतु आई है मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, उस आधार पर करेंगे आप। उन्होंने इसमें ये लिखना, वो जो उस पद का अर्थ करना है, कभी बताता है कि शीत और शिशु ऋतु में सर्दी अत्यधिक का प्रकोप फैल जाता है, मानो वह दलबल के साथ आक्रमण कर रहा है। शीत और आग भी मानो कमज़ोर प्रतीत होती है, ठीक है ना, और सूर्य का ताप भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, और बड़े बड़े भवनों के जैसे ऐसा लगता है कि शीत तो बचने के लिए किसमें बड़े बड़े भवनों के कोनों में छिप गई है, और शीतकाल में बर्फीली हवा चलती है, और इस तरह से जो भी आपको उसका उस पद का जो अर्थ है उस रूप में आपको लिखना है। अब जो है प्रश्न नंबर 12 है, बसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखी। बसंत ऋतु का सौंदर्य कैसा है उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पर कवि सेनापति ने बसंत ऋतु में ऋतुओं के वर्णन में षड ऋतुओं के वर्णन में बसंत ऋतु का वर्णन अति मनोरम रूप में किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि रंग बिरंगे फूलों मानो ऋतुराज बसंत की चतुरंगिणी सेना के सैनिक है। रंग बिरंगे जो फूल हैं वो उसकी सेना के सैनिक हैं। उस समय कोयले कूकने लगती है और भौरे गुंजार करने लगते हैं, और मानो वे बसंत रूपी राजा के स्तुति पाठक या बंदीजन हैं, यानी उनकी वृंदावली गा रहे हों, उनकी स्तुति पाठक हैं या बंदीजन हैं जो उनकी वृंदावली को गा रहे हों, तथा बसंत का गुणगान करते हैं। चारों ओर पुष्पों की सुगंध बिखरती है, लताओं और वृक्षों की शोभा ऐसी लग रही है जैसे सुसज्जित लोगों की सभा जुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सुसज्जित जो लोग हैं उनकी सभा जुड़ी हुई है। सभी में बसंत ऋतु सुखदायक लगती है। सेनापति ने में इसमें बसंत ऋतु में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का भी सुंदरता से प्रयोग किया है इन्होंने। और इसके अलावा सेनापति ने बसंत ऋतु को उसका श्रृंगार रूप में आलंबन, बसंत ऋतु के श्रृंगार का आलंबन रूप में वर्णन किया है। यानी बच्चों, प्रकृति चित्रण दो रूपों में होता है, एक आलंबन रूप और एक उद्दीपन रूप में। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको और समझा देंगे। तो यहाँ पर आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण किया है सेनापति ने, उद्दीपन रूप में नहीं करके आलंबन रूप में किया है, और उसे सब ऋतुओं का राजा भी बतलाया है। इस प्रकार सेनापति का प्रकृति चित्रण भी उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर जो बसंत ऋतु है उसका चित्रण बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया है।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको पंक्तियों की ही नहीं पूरे पद की व्याख्या करनी है, जो आपको पूर्व में भी बता चुके हैं और उस पिछले वीडियो में देखकर आपको पूरे ही पदों की व्याख्या करनी है। और ये इसके प्रश्नोत्तर हो गए हैं, तो इसके प्रश्नोत्तर भी आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने पाठ के प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। अब कुछ गृह कार्य है जो आपको दिया जा रहा है, वो आपको करना है। प्रश्न नंबर एक, सेनापति द्वारा किए गए वर्षा के बादलों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर दो, कवि सेनापति के काव्य के वर्ण विषय को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर तीन, कोकिला कलापी कल कूजत है जित जित, इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है। और प्रश्न नंबर चार, कवि सेनापति का साहित्यिक परिचय दीजिए। यह है आपके पुस्तक के अलावा जो प्रश्न उत्तर हैं, ये इन चारों को भी आपको अपनी ही पाठ्य उसमें उत्तर पुस्तिका में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।